नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल टेक आर्ट में आपका स्वागत है। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि नए नए वीडियो के अपडेट आपको मिलते रहें। तो दोस्तों, देखते हैं आज का हमारा टॉपिक क्या है। आज का हमारा टॉपिक है लिमिट स्विच। लिमिट स्विच क्या होता है और कैसे वर्क करता है, इसके बारे में हम लोग अभी पढ़ेंगे, ठीक है। तो लिमिट स्विच, जैसे फिगर थोड़ा सा अच्छा नहीं है लेकिन फिर भी आप लोग समझने की कोशिश कीजिएगा। तो लिमिट स्विच क्या होता है, जो ये ब्लैक ब्लैक दिख रहा है ना, ये ब्लैक वन और टू या थ्री रखे हुए हैं, ब्लैक वन रखा हुआ, टू रखा हुआ, थ्री रखा है, ये लिमिट स्विच है बेसिकली। ये स्विच का काम यही कर रहे हैं। तो इसके बारे में थोड़ा सा मैं बता देता हूँ कि लिमिट स्विच क्या होता है। पहले तो ये इलेक्ट्रो मैकेनिकल डिवाइस होती है, मतलब इसमें इलेक्ट्रिक सिस्टम होता है और मैकेनिकल सिस्टम दोनों वर्क करता है। इलेक्ट्रिक सिस्टम किस में है, जैसे ये ब्लैक वाला जो है ये इलेक्ट्रिक सिस्टम इसमें होता है, और ये कैम है, और ये साफ कैम साफ लिखा है ना, कैम लिखा हुआ है, ये रोटेशन करता है, मतलब एक प्रकार की मैकेनिकल एनर्जी है। तो ये दोनों कॉम्बिनेशन होकर के इलेक्ट्रो मैकेनिकल ये स्विच बन जाती है, ठीक है। और फिर ये क्या करता है, किसी भी सिस्टम को आपको ऑन ऑफ करने की प्रॉपर्टी करता है, ये ऑन ऑफ करता रहता है। ये कंटिन्यूअसली ऑन नहीं करेगा, कंटिन्यूअसली ऑफ नहीं करेगा, ये ऑन होगा ऑफ होगा, ऑन होगा ऑफ होगा। और फिर क्या होता है, इसका जो ऑन ऑफ करने की स्पीड है वो बहुत अच्छी होती है, इसका मेंटेनेंस बहुत कम होता है। आपने एक बार लगा दिया तो आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, काफ़ी दिन तक आपका चलता रहता है। तो अब ये फिगर दिखा हुआ, मैं थोड़ा सा इसका वर्किंग प्रिंसिपल बताता हूँ कि इसका कैसा होता है वर्किंग, ये कैसे वर्क करता है, ठीक है। जैसे आपका ये कैम लगा हुआ है, ठीक, थोड़ा सा इसमें समझने की कोशिश करते हैं। देखिए यहाँ पर ये कनेक्टर लगे हुए, स्विच टाइप के लगे हुए, यहाँ पे प्रेस बटन होता है, ठीक है। जैसे से इस पर आप कोई मैकेनिकल जो रोटेशनल डिवाइस है, मान लीजिए आपने मोटर कनेक्ट कर दिया, इस पर आपने एक मोटर कनेक्ट कर दिया, या मोटर बाहर रख दूर रख के पट्टे से आपने इसको कनेक्ट किया, तो ये रोटेट करेगा क्लाक वाइज या एंटी क्लाक वाइज डायरेक्शन में। तो ये कैम साफ पे ये देखो, ये ट्यूट्स बने हुए, ये ट्यूट्स बना हुआ है, यहाँ पे चमक है, ठीक है, ये भी ट्यूट्स बना हुआ है। हम एक के लेते हैं, इसमें तीन दिया, एक को हम समझा देते हैं एक एक करके, ठीक। तो क्या होगा, जैसे ये चीज इस स्विच से कनेक्ट होता है, इस पर प्रेस करता है, यहाँ पे ये प्रेस होगा, ठीक है। तो क्या होगा, ये जो नीचे वाला स्विच है ये प्रेस हो जाता है, तो अंदर की सर्किटरी क्लोज जाती है, ठीक है, मतलब करंट फ्लो आपको मिलने लगता है। वो इलेक्ट्रिकल सिस्टम होता है, उससे आपको करंट फ्लो होने लगता है, उसे आप ऑन मान सकते हैं कि वो अब ऑन हो गया, करंट फ्लो हो गया, मतलब ऑन हो गया। इस हिसाब से आगे हम, अब जैसे ये वो चेंज हो गया ना, देखिए बीच में फिर ये स्पेस बना हुआ है, ठीक है। तो इतने टाइम, जितने टाइम ये आपका ये वाला पार्ट घूम के रोटेट करके इस पर प्रेस करता है स्विच के ये लीवर पे, इस पर आएगा, तो उस टाइम ऑन होता है, जैसे बीच वाला ग्रैप होगा ऑफ होगा। तो हमने बताया ना कि ये लिमिट स्विच क्या करता है, ऑन ऑफ करता रहता है, ठीक। उस हिसाब से तीन लगे हुए, एक का मैट्रिक्स में हमने बता दिया है, बहुत ही सिंपल सा है। लिमिट स्विच इलेक्ट्रो मैकेनिकल डिवाइस होती है, यह बहुत ही अच्छे तरीके से, मतलब स्पीड से स्विच ऑन ऑफ करता रहता है, ये ऑन ऑफ स्विच की तरह वर्क करता है, इसका मेंटेनेंस बहुत कम है। अब देखते हैं ये इसके आगे हमारे पास क्या है, इसके आगे हम देखने की कोशिश करते हैं, ठीक है। एक फिगर हमारे पास कैम साफ्ट का है, कैम साफ्ट ये दिया हुआ, यहाँ पर जब मूव करता है ना तो यहाँ पर प्रेस होगा, ये बना हुआ है ये, ठीक है। और इसके बाद हमारे पास क्या है, इसका सिंबल होगा, न्यूमेटिक सिंबल जो हमको चाहिए, न्यूमेटिक सिंबल, ठीक है, न्यूमेटिक सिंबल दिया हुआ है, ये यही दिखाया हुआ ना, तीर इसमें दिखाया हुआ, न्यूमेटिक सिंबल इसका हो गया, यही ऑन ऑफ दिखाया हुआ, कभी ऑन होगा कभी ऑफ होगा। तो एक बार फिर से देख लेते हैं दोस्तों, क्या हमने पढ़ा आज, ठीक है, ये कैम साफ्ट के बारे में पढ़ा। इसमें तीन दिए हुए हैं, तीन से कनेक्ट कर देंगे आप, नीचे ये सर्किटरी लगी होती है इनपुट आउटपुट के लिए, देखिए तो एक में दिख रहा है हल्का सा, यहाँ से हम कनेक्ट कर लेंगे वायर, ठीक है। साइड भी हमारे पास नहीं मिल पाया इसका, बेसिकली ये जो आपका मेन काम है वो इन्हीं तीनों जो ब्लैक है जो सर्किटरी इलेक्ट्रिकल सर्किटरी होती है इसी के अंदर होती है, और ये रोटेशन पार्ट होते हैं वो मैकेनिकल एनर्जी इनके द्वारा होती, तो इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल डिवाइस हो गया। दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, आगे के लेक्चर में देखते हैं हमको क्या पढ़ना है। हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।